बेगूसराय में हुए 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जस्टिस फॉर मीठी के बैनर तले सैकड़ों समाज सेवियों ने आज मुजफ्फरपुर शहर के आरडीएस कॉलेज से न्याय सह जन जागरण रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता नमन स्थल समाहरणालय पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी सुमित कुमार ने कहा कि बेगूसराय जिले के बचपारा थाना अंतर्गत चौथा गांव के 9 वर्षीय मासूम की गांव के 6 दबंगों ने मिलकर पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर पकड़े जाने के डर से तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। वहीं साक्ष्य छुपाने के लिए उस लड़की का शव अपने ही घर के आंगन में गाड़ दिया। इस पूरे मामले में निकटवर्ती थाना के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। अगर निकटवर्ती थाने के अधिकारियों ने उचित समय पर कार्रवाई की होती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। इस पूरे मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 98% सभी लोगों के चुप रहने के कारण आज देश के 2% दरिंदे हर तरफ बेटियों का शोषण कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब भी बेटियों पर अत्याचार होगा तो ये सभी समाज रोड पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हम लोग लड़कियां भी सेफ हो सके, ठीक है। ऐसा सजा दिया जाए उसको कि ताकि सब लड़कियां सेफ हो जाए और ये सबको फांसी दे दे। और जो लड़कियां भी गायब हुई है 6 महीना हो गए उसको, लेकिन हमारी प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उसके लिए। 6 महीने कम नहीं होते हैं किसी के लिए, और उसको फांसी दिया जाए ताकि और लड़कियां भी सेफ हो सके और हमेशा सुरक्षित हो सके, घर से बाहर निकलने के लिए सोचना ना पड़े। अभी कितना सुरक्षित आपको महसूस होता है शहर में? शहर में कितना सुरक्षा? कोई सुरक्षित नहीं है। जब शहर सुरक्षित नहीं है गाँव तो और ही नहीं सुरक्षित है। बोलते हैं आप शहर से गाँव जाओ, गाँव में कौन सा सुरक्षित है? आप जब गाँव में ये कांड हो रहे हैं तो शहर में कैसे हो रहे हैं? शहर में भी हो रहे हैं, गाँव में भी हो रहे हैं। लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा हम और जस्टिस करेंगे और न्याय करेंगे। क्या लगता है 10 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दरिंदगी की गई है? आज समाज में जो 98% बुद्धिजीवी लोग चुप रहने के कारण आज समाज में कहीं बेटियों को रेप कर दिया जाता है, कहीं गाड़ काट के दफना दिया जाता है, तो कहीं बेटी के कहीं ले जाकर बेच दिया जाता है। आज सभी शिक्षित समाज के वर्ग लिखते हैं यह बताने के लिए कि जब जब बेटियों पर अन्याय होगा तो सभ्य समाज और शिक्षित समाज चुप नहीं रहेगा, चुपचाप वोट पर निकलेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। क्या कर शर्मनाक घटना है जहाँ पे 9 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने जाती है और उसका रेप हो जाता है, जलाकर गाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, अभी 50 साल के बूढ़े लोग के तहत। तो बिहार के लिए हम युवाओं के लिए सबसे शर्म की बात है, इसलिए हम सभी भाई युवा मिलके एक न्याय मार्च निकाले हैं ताकि इस न्याय मार्च के थ्रू हम लोग न्याय से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो और दोबारा ऐसा घटना ना हो, ऐसा दरिंदा दोबारा जन्म न ले अपने बिहार की धरती पे। इसलिए हम लोग न्याय मार्च निकाले हैं। हम लोग RDS कॉलेज से भारत माता का जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चला करके जल्द से जल्द उस हत्यारों को फांसी की सजा हो, हमारा मांग है। मुजफ्फरपुर में यशी सिंह पिछले 7 महीना से गायब है, चतुर्भुज स्थान में बेच दी जाती है और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगता है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। 7 महीने में क्या एक लड़की की बरामदगी नहीं हो सकती है? इसी सम्मान को लेकर वहाँ के जो दरिंदे हैं वो दबंग हैं, उन दबंगों के सारे चल और अचल संपत्ति को जब्त किया जाए और उसी स्थान पर उसी के संपत्ति को बेचकर वहाँ एक अस्पताल का निर्माण किया जाए, उस परिवार पीड़िता का जो परिवार है उस परिवार को सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो उस परिवार के साथ कुछ भी घटना घट सकता है। मुजफ्फरपुर जिले में अहियापुर थाना क्षेत्र के मोतिहारी रोड में शिवजी सौ मील के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान तहखाने में छपाए 1.5 करोड़ की शराब की खेप पुलिस ने बरामद की। शराब तस्कर ट्रक से शराब अनलोडिंग कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खपाने के लिए पिकअप पर लोड कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर छत से कूद कर भागने लगे। इस क्रम में भागने के दौरान एक कारोबारी की टांग टूट गई। वहीं पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। शराब तस्करी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गठित की गई। ट्रक राजस्थान नंबर की है जबकि अन्य वाहन मुजफ्फरपुर की है।
सभी शराब पंजाब निर्मित एक ही ब्रांड है। खूब सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना अंतर्गत बैरिया गोलम्बर पुरानी मोतिहारी पुरानी रोड में विदेशी शराब के भारी खेप उतरने वाली है। हम लोग सूचना का तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुँचे। जैसे गेट के पास पहुँचे तो वहाँ गेट बोला गया खोलने के लिए, तो कुछ देर तक नहीं खुला। उसके बाद फिर अंदर जाके हम लोग कार्रवाई किए तो एक बहुत बड़ी ट्रक लगी हुई थी, 5 पिकअप भी वहाँ पे था जिस पर माल लोड था। वहाँ से एक चालक की भी गिरफ्तारी हुई है और 5 लेबर का भी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ी वगैरह भी पकड़ा गया है, 5 गाड़ी पिकअप पकड़ाया हुआ, एक ट्रक भी मिला। तलाशी की तो अंदर में कैसे शराब रखा हुआ था? तहखाना बना के रखा हुआ है। तहखाना बना ताकि शक ना हो। शक ना हो। लगभग करोड़ों का शराब है। हाँ, करोड़ों का शराब है। अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई अभी अनुसंधान जारी है। पीओ कहाँ पर मैम? अहियापुर शिवजी सावा मिल के जस्ट सामने।